सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब सही होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हमारी आज की गतिविधि है शुद्ध अशुद्ध, अर्थात हमें कुछ अशुद्ध शब्द दिए गए हैं। अशुद्ध शब्द वे शब्द होते हैं प्यारे बच्चों, जिनकी वर्तनी सही नहीं होती। जैसे अगर मैं कोई शब्द बोलती हूँ या लिखती हूँ, तो मैं अगर उसे बोलने या लिखने में गलती करती हूँ, तो वह शब्द कैसा हो जाता है? अशुद्ध। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पाठ का नाम क्या है? मेहनत का फल। अगर मैं इसमें यह मात्रा, ए मात्रा लगाना भूल जाती हूँ, नहीं लगाती हूँ, तो यह क्या बन जाता है? महानत, महानत। तो यह शब्द अशुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार हमें कुछ अशुद्ध शब्द दिए गए हैं, जिनको हमें सही लिखकर, सही मात्रा लगाकर शुद्ध करना है। इसी प्रकार हम अगला अभ्यास कार्य करेंगे, नाम वाले शब्दों पर गोला लगाएं। प्यारे बच्चों, नाम वाले शब्द तो आपको पता ही है कौन से होते हैं। नाम वाले शब्द जैसे आपका नाम, किसी का नाम, प्रिंस, कुणाल, पीहू, नम्रता, गौरव, इस प्रकार जैसे हमारे नाम होते हैं, हमें इन नामों को, नामों के ऊपर गोला लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की गतिविधि। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप अपनी भाषा अभ्यास की पुस्तक निकाल लीजिए और पेज नंबर 19 खोल लीजिए। प्यारे बच्चों, हम पेज नंबर 19 पर सबसे पहले आज की तिथि डालेंगे। आज 22 तारीख है और आज दिन है शुक्रवार। आज दिन है शुक्रवार। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कि हमें हमारी पुस्तक में कुछ अशुद्ध शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों के हमें शुद्ध रूप लिखना है, जिस प्रकार मैंने यहाँ पर इनका शुद्ध रूप लिखा है। तो हमें शब्द क्या दिया गया है प्यारे बच्चों? झाड़ियाँ। तो झाड़ियाँ जो है अशुद्ध रूप है, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो वह झाड़ियाँ नहीं होता, वह झाड़ियाँ होता है। इसी प्रकार अगला शब्द क्या है प्यारे बच्चों, आप पढ़ेंगे मैम के साथ? कंड। तो आप देखेंगे जो अंग मात्रा है, उसको हमें बोलने में कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि उसको सही जगह पर नहीं लगाया गया है। तो सही शब्द क्या होता है प्यारे बच्चों? कंकड़, ना कि का कंड, का कंड। इसी प्रकार अगला शब्द है तालियां। तो जिस प्रकार हमने झाड़ियां का झाड़ियां किया था, इसी प्रकार तालियां का शुद्ध रूप क्या होगा? तालियां। अगला शब्द है शुरू। तो प्यारे बच्चों, हम जब किसी काम को शुरू करते हैं, तो हम शुरू नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शुरू। तो शुरू अशुद्ध रूप है। आप देखेंगे कि र पर यहाँ पर उ मात्रा लगी हुई है, जिसको हम सही करके ऊ मात्रा लगाएंगे। अगला शब्द है मैदान। तो प्यारे बच्चों,
आप समझ पा रहे हैं यह शब्द किस प्रकार से अशुद्ध है, क्योंकि हम मैदान में खेलने जाते हैं ना कि मैदान। तो यह शब्द का अशुद्ध रूप है और मैदान यानी कि ए मात्रा लगकर यह शब्द शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार अगला शब्द है पहुँचते, पहुँचते। तो प्यारे बच्चों क्या होता है शुद्ध रूप, पहुँचते, पहुँचते। तो आप देख पा रहे हैं हमारा यहाँ पर अन्न मात्रा लगाई हुई है और अन्न मात्रा की ध्वनि आ रही है। तो इस प्रकार हम सभी दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में लिखेंगे। प्यारे बच्चों अब हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में नाम वाले शब्दों पर गोला बनाइए। जैसा कि मैम आपको पहले बता चुकी हैं, नाम वाले शब्द कौन से होते हैं, जिस प्रकार हमारा नाम होता है वही नाम वाले शब्द होते हैं। जैसा कि अभी मैम ने आप में से ही कुछ बच्चों के नाम लिए थे, इसी प्रकार यहाँ पर भी एक पैराग्राफ दिया हुआ है, एक गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश में कुछ बच्चों के नाम दिए गए हैं और हम उनको पढ़ेंगे और उनके ऊपर गोला लगाएंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। नवीन, आलोक, रमा, राधा स्कूल जा रहे हैं। किशोर अपने छोटे भाई सोनू का हाथ पकड़ कर सड़क पार कर रहा है। सोनू के कंधे से उसका बस्ता गिर गया। सोनू की किताबें और कापियां बिखर गई। पेंसिल और पेन उछलकर दूर जा गिरे। तो प्यारे बच्चों अब आप मुझे बताएंगे कि इस गद्यांश में कौन कौन से नाम आए हुए हैं। वेरी गुड। पहला नाम है नवीन, तो हम नवीन पर गोला लगा देंगे। मैम ने गोला लगा दिया है। अब हम अगला नाम पढ़ेंगे आलोक, आलोक पर गोला लगा देंगे। अगला शब्द है रमा, रमा भी किसी का नाम है, रमा एक लड़की का नाम है, तो हम रमा पर गोला लगा देंगे। अगला शब्द है राधा, अगला शब्द है राधा, तो हम राधा भी एक लड़की का नाम है, तो हम इस पर भी गोला लगा देंगे। नवीन, आलोक, रमा, राधा स्कूल जा रही हैं। किशोर, अब किशोर एक लड़के का नाम है, तो इस पर भी हम गोला लगा देंगे। किशोर अपने छोटे भाई सोनू, तो सोनू पर भी हम गोला लगा देंगे। का हाथ पकड़कर सड़क पार कर रहा है सोनू के। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर फिर से नाम आ गया है सोनू, तो हम इसको पहले से ही गोला लगा चुके हैं, तो हम इसको बार बार गोला नहीं लगाएंगे। तो सोनू के कंधे से उसका बस्ता गिर गया है। सोनू की किताबें और कापियां बिखर गई हैं। पेंसिल और पेन उछलकर दूर जा गिरे। तो इस प्रकार हमने नाम वाले सभी शब्दों पर गोले लगा दिए हैं। यहाँ पर कुल कितने नाम हैं, नवीन, आलोक, रमा, राधा, किशोर और सोनू। तो इस प्रकार यहाँ पर
छह नाम है और हमने इन पर गोला लगा दिया है। ठीक इसी प्रकार आप भी अपनी पुस्तक में गोला लगाएंगे। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप काम करते हुए अपनी पुस्तक में इसी पेज पर प्रश्न 5 अपने आप करेंगे। यह बड़ा मज़ेदार अभ्यास कार्य है जिसके अंतर्गत आपको क्या करना है, पाठ मेहनत का फल में आए नामों के अतिरिक्त किन्हीं 4 लड़कों और 4 लड़कियों के नाम लिखेंगे। ठीक है, तो आपको पता है मेहनत के फल में कौन कौन से बच्चों के नाम आए हैं, तो आप उनको छोड़ देंगे और आप यहाँ पर 4 लड़कों के नाम लिखेंगे और 4 लड़कियों के नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर आप अपने दोस्तों के नाम लिख सकते हैं, आप अपने भाई बहनों के नाम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर लड़के का आपको दिख रहा है कि यहाँ पर लड़कों के चित्र बने हैं, तो हमें इनके सामने लड़कों के नाम लिखने हैं। जैसे कि रवि, राहुल, कुणाल, कवित, इस प्रकार आप लड़कियाँ यहाँ पर आप देख रहे हैं लड़कियों के मुख के चित्र बने हुए हैं और आप यहाँ पर लड़कियों के नाम लिखेंगे। जैसे कि मीना, नम्रता, पीहू, प्रीति, इसी प्रकार आप अपने माता पिता की सहायता से अपने दोस्तों के नाम, अपने घर वालों के नाम यहाँ पर, भाई बहन के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपना सुंदर सुंदर सा कार्य करके मैम को भेज दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।